और चलिए बात करते हैं किसान आंदोलन की। बता दें आज किसानों से मिलने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंच चुके हैं। यहां पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि केजरीवाल के साथ में उनकी पूरी कैबिनेट भी मौजूद है। किसानों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, तस्वीरें सीधे सिंघू बॉर्डर की। किसान नेताओं के साथ में इस समय बातचीत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये कहा जाए अब सियासी एंट्री हो चुकी है इस पूरे आंदोलन में, सियासी एंट्री अरविंद केजरीवाल की पहले। वहीं कल अगर भारत बंद की बात करें तो कई राज्यों ने साथ दिया ही। आप देखिए किसानों के साथ में मौजूद है अरविंद केजरीवाल और साथ में मौजूद है कैबिनेट के कुछ और मंत्री भी। रुमान उल्ला खान हमारे साथ में मौजूद है। रुमान, किसानों के साथ में चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहा जाए कि इस आंदोलन में और जोश भरते हुए नजर आ रहे हैं या सियासत होती हुई नजर आती है? देखिए बिल्कुल तमाम तरह से समर्थन अरविंद केजरीवाल ने दे रखा है और सीधे तौर पर अब यहाँ पर मोरल सपोर्ट के लिए भी आए हैं, क्योंकि कल स्थिति में एक संदेश देना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है और आम आदमी पार्टी जो है वो किसानों के साथ है, क्योंकि इस तरह के बैनर पोस्टर भी जगह जगह लगा रखे हैं। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरह से इससे पहले भी देखा था कि अलग अलग जगह पर अगर किसी पार्टी ने अपना कैंप लगाया था या फिर कोई दूसरा इंतजाम किया था तो उसका किसानों ने विरोध किया था, उसको लगने नहीं दिया था। ऐसी स्थिति में अब सीधे तौर पर एक्टिव राजनीति की एंट्री इस पूरी मुलाकात को देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि पंजाब के अंदर भी अपना भविष्य अरविंद केजरीवाल की पार्टी तलाश रही है, ऐसी स्थिति में यहाँ किसानों को आंदोलन देके अरविंद केजरीवाल का निशाना कहीं और है। पंजाब के चुनाव हैं और सीधे तौर पर वोट्स हैं, और ऐसे में क्या किसान अरविंद केजरीवाल से इस बात को पूछेंगे कि क्या जब बिल पास हो रहा था तब क्या उन्होंने कोई विरोध किया था, और दूसरा क्या जो कानून केंद्र सरकार ने लागू किए हैं क्या वो दिल्ली में लागू हुए हैं या नहीं। अब सीधे तौर पर ये देखना है कि क्या अरविंद केजरीवाल को मंच तक एंट्री मिलती है या नहीं। अभी फिलहाल जो किसान नेता है उनसे अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं, हालांकि अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि वो अपने कैबिनेट के साथ में यहाँ पर सिंधु बॉर्डर पर किसानों के लिए जो इंतजाम किए गए हैं, जो टेंट्स लगाए गए हैं और जो सुविधाएं उनको दी जा रही है उसका जायजा लेने के लिए आए हैं। लेकिन सीधे तौर पर बिल्कुल रुमान आपका रुक करूं, लेकिन इसके पहले इस आंदोलन में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है इसको लेकर मनीष सिसोदिया का क्या कहना है वो सुनाते हैं। और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे यहाँ पर किसानों की सेवा का जो काम सरकार की ओर से किया जा रहा है उसका निरीक्षण कर रहे हैं आज मुख्यमंत्री जी। मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। आपको याद होगा कि शुरू शुरू में जब किसान बॉर्डर पे आए थे तो केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली। उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार, हमारे MLA, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। किसान 24 घंटे मेहनत करके खून पसीना बहा के अन्न उगाता है हमारे लिए, हमारी सेवा करता है। आज किसान मुसीबत में है, हम सबका, पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े हों और उनकी सेवा करें। तो मैं आज सारी सुविधाओं का जायजा लेने आया। यहाँ पे ये टॉयलेट्स हैं, ये मैं देखा, साफ सफाई ठीक है, उधर पानी की व्यवस्था है, बता रहे अंदर तक पानी जा नहीं पा रहा, तो आज ये मोटर वगैरह और पाइपलाइन लगा के अंदर पानी ले जाएंगे। उधर रहने की भी व्यवस्था देखी, किचन भी देखी, एम्बुलेंस भी देखी। क्या क्या जानकारी ली आपने जब आपने आपसे? किसानों ने कहा कि इंतजाम से वो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन मैं लगातार संपर्क में हूँ। हमारे जर्नैल सिंह यहाँ पे जो MLA हैं, कल रात को यहीं सोए हैं, वो उनके समर्थन में पूरी रात ही यहीं पे सोए हैं।
तो हमारे सारे वॉलंटियर्स, सारे कार्यकर्ता, सारे ऑफिसर्स सेवा में लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जल्द से जल्द समाधान। तो सियासत नहीं, किसानों के बीच में सेवा करने के लिए आया हूं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जो सुविधाएं और मिलनी चाहिए वो व्यवस्था आम आदमी पार्टी की सरकार करवाएगी। ये तमाम बातें यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं।